नर्मदापुरम में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ को सिख दंगों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। कमलनाथ के दामन पर सिख दंगों का दाग क्यों है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। जन आशीर्वाद यात्रा ने इटारसी में प्रवेश किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया एवं नर्मदापुरम इटारसी विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा रथ में सवार होकर सड़कों पर जनता से आशीर्वाद लेने निकले। यात्रा आरएमएस तिराहा पर पहुंचने के बाद आम सभा में तब्दील हो गई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीबों के हित में कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 10 वर्ष में पूरे प्रदेश को बीमारू बना दिया था, प्रदेश में गुंडा राज कर दिया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ताल ठोंक ठोंक कर फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहले वो ये बताएं कि सिख दंगों में उनकी स्थिति क्या थी, उनके दामन पर सिख दंगों का दाग क्यों है। जो इस देश के एक बहुत बड़े परिवार नेहरू परिवार का सपने सहार हो, जो कि अपने आप को होर्डिंग लगाकर मध्य प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनने की कवायद करता हो, क्या उसको ये नहीं बताना चाहिए कि राखे पूर्व चीफ सिद्धू जी ने उनके खिलाफ क्यों इल्जाम लगाए? क्या कमलनाथ जी की यह नैतिकता नहीं है कि वो ये बताएं कि सिख दंगों के दाग उनके दामन पर क्यों है? क्या उनको ये नहीं बताना चाहिए कि सिख दंगों का जब ट्रायल हो रहा है तो उनका नाम क्यों आ रहा है? यदि उनमें साहस है, यदि वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं तो वो आए सामने आए। और कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि जिसको वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया उस पर यदि दंगों में और नरसंहार के लोगों के कत्लेआम के यदि इल्जाम है तो ऐसे कमलनाथ जी को जनता के बीच आकर ये बताना पड़ेगा कि ये इल्जाम क्यों लग रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि हमारे पास 15 कांग्रेस विधायकों की सूची है, वो रोज हमारे पास आ रहे हैं, हमें भाजपा में ले लो, लेकिन हम उन्हें नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।